शरीफी थोड़ी आदतों में रख जरा बेईमानियां। ज्यादा दिलजीत दोसांझ ने लूटी महफिल। कल की 28/98/80 से पहला एंथम हुआ रिलीज। कौन दे रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस, दिलजीत दोसांझ या फिर प्रभास? क्या कुछ है खास, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज। कल की 28/98/80 से भैरवा एंथम मोस्ट अवेटेड सॉन्ग ऑफ फाइनली आउट हो चुका है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी एक ही बात कहने वाले हैं कि प्रभास से ज्यादा तो दिलजीत दोसांझ लाइमलाइट लूटते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, इस गाने में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रभास सिर्फ हाथ से ही नहीं बल्कि आंखों और पैर से भी एक्शन करते हुए एकदम अलग किरदार में नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये गाना शुरू होगा ना, बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा कि ये कब खत्म हो गया, क्योंकि शुरुआत से एंड तक हर पार्ट इसका इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको ये गाना बार बार सुनने और देखने का मन करेगा। और साथ ही साथ प्रभास की एक्शन सीन्स की तो क्या ही बात करें। जिस तरह से बुज्जी में सवार होके आते हैं भैरवा, और साथ ही साथ जिस तरह से पंजाबी मुंडे बने फिर रहे हैं इस गाने में, वो सारे सीन्स आपके दिल जीतने वाले हैं। फिर गाने की शुरुआत ही कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से होती है कि एंड तक देखने के लिए आप काफी मजबूर हो जाने वाले हैं। तो वही बात करें अगर इसके बैकग्राउंड कलर ग्रेडिंग की, तो जिस तरह से इसमें येलो और ब्लैक का शेड दिया गया है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। वेल, अगर बात करें प्रभास की, तो प्रभास इस बार कुछ अलग दमदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनकी एक्टिंग होती है, जिस तरह से उनके एक्शन सीन्स है, वो सब कुछ इस गाने में चार चांद लगा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से दिलजीत दोसांझ अपना परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं एंड के क्लिप में, और वहाँ पे अचानक से पीछे से प्रभास आते हैं पंजाबी मुंडे के आउटफिट में, ब्लैक आउटफिट में, इतने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं प्रभास की हर किसी की निगाहें उन पर ही टिकी हुई है। जैसे ही वो दिलजीत दोसांझ पर अपना हाथ रखते हैं और बैक होकर वापस जिस तरह से वो वॉक कर रहे हैं, ये सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑल ओवर गाना काफी अच्छा है, लेकिन पूरा गाना सुनने के बाद यही लग रहा है कि प्रभास तो प्रभास, लेकिन दिलजीत दोसांझ भी इसमें काफी ज्यादा महफिल लूटते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे कल्कि का ये गाना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्टार्ट टू एंड आपको काफी पसंद भी आने वाला है। देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऑडियंस इसे देती है कितना ज्यादा प्यार। और अगर आपने भी ये गाना सुन लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा कल्कि का ये सॉन्ग आपको। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अनन फैक्ट्स के लिए, म्यूजिक रिव्यूज के लिए देखते रहें बज़ूका रिव्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।